नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक। आप देख रहे हैं आपकी बात, आप सबका बहुत स्वागत है। प्रदूषण का जिक्र होते ही हम सबको कारखानों की चिमनियों से उठते धुएं के गुबार का ध्यान आता है, पर क्या आपको ये पता है कि शहरों में प्रदूषण और गंदगी की असल वजह क्या है? नगरीय निकायों की लापरवाही और उनका उदासीन रवैया, ये एक बड़ी वजह के तौर पर सामने आया। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल की आंख खोलने वाली ये रिपोर्ट कहती है कि स्वच्छता अभियान को अगर किसी ने सबसे ज्यादा डैमेज किया है तो खुद नगर प्रशासन ने। उन्हें ना तो नियमों की परवाह है, ना ही कानून की चिंता। नतीजा ये कि कूड़े के पहाड़ खड़े हो रहे हैं, गंदगी के नाले निकल रहे हैं और शहरों में स्वच्छता का स्तर उठने के बजाय नीचे गिरने लगा। सवाल ये कि जिन पर शहरों को संवारने की जिम्मेवारी है, आखिर क्यों और कैसे वो सफाई को लेकर इस तरह की कैजुअल अप्रोच रखते हैं? शहरों में अस्वच्छ भारत अभियान, मनमाने तरीके से कचरा डंपिंग, गाइडलाइंस का खुलेआम उल्लंघन। ये वो तस्वीरें हैं जो छत्तीसगढ़ के शहरों की साख पर पट्टा लगाती हैं। एक तरफ देश में स्वच्छता की होड़ है तो दूसरी ओर प्रदेश के शहर सफाई की रैंकिंग में और नीचे गिर रहे हैं। बेहिसाब बजट, तमाम संसाधन के बावजूद अगर शहर साफ नहीं है तो कौन इसके लिए जिम्मेदार है? यकीनन शहरों की सरकार। देखने में ये आ रहा है कि नगर निकाय आज भी सफाई को लेकर अपना ढर्रा बदलने को तैयार नहीं है। ना तो उन्हें वेस्ट मैनेजमेंट के हाईटेक तरीकों में दिलचस्पी है और ना ही वाटर ट्रीटमेंट की चिंता। सबसे ज्यादा अंधेर गर्दी कूड़ेदानों को लेकर दिखती है, क्योंकि शहरों में जहां खाली जगह दिखे कचरा अनलोड कर दिया जाता है। जबकि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 2016 में साफ तौर पर यह कहा गया है कि कहीं भी कचरा डंप करने से पहले नगरीय निकायों को पर्यावरण संरक्षण मंडल से इसकी मंजूरी लेना जरूरी है। ये भी प्रावधान है कि कचरा जमा करने की जगह का निर्माण खास मापदंडों के साथ किया जाए, लेकिन आम चलन ये है कि नगर निकायों का सफाई अमला जहां मर्जी वहां कचरा डाल देते हैं। हद ये है कि प्रदेश के सिर्फ 4 नगर निकाय ही ऐसे हैं जिन्होंने कचरे के संग्रहण और प्रबंधन के लिए अनुमति ली है। वेस्ट मैनेजमेंट की जो जिम्मेदारी है वो संबंधित नगरीय निकायों की है, और जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 है उसमें बहुत ही स्पष्ट रूप से नगरीय निकायों के लिए इसके लिए जिम्मेदार किया गया है। जो परिवहन से लेकर कलेक्शन से लेकर उसके डिस्पोजल तक के इसमें जिम्मेदारी है। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल ने जो रिपोर्ट तैयार की है उसके मुताबिक राज्य में 168 नगरीय निकायों में हर दिन 2,245 टन कचरा जमा होता है। इसमें से मात्र 828 टन का ही निपटान हो पाता है। इस तरह हर रोज करीब 1,500 टन कचरा बिना निपटारे के जमा होते जाता है। प्रदेश में मात्र 10 शहर ऐसे हैं जहां घरों से कचरा इकट्ठा किया जा रहा है, वहीं महज 5 शहर ऐसे हैं जहां कचरे को छांटा जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक कचरे को खुली गाड़ी में ले जाना भी प्रतिबंधित है, पर करीब 100 नगर निकाय इसका पालन नहीं कर रहे। पर्यावरण संरक्षण मंडल की रिपोर्ट ये भी कहती है कि राज्य में एक भी ऐसा शहर नहीं जहां निर्धारित मापदंडों के अनुरूप ट्रैचिंग ग्राउंड बनाए गए हैं। यही नहीं, कचरे के निपटान के लिए प्रस्ताव भी मात्र 8 निकायों को दिया है। कई नोटिस देने के बाद अब पर्यावरण संरक्षण मंडल नियमों का पालन नहीं करने वाले निकायों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। इनमें पर्यावरण का प्रबंधन प्रकोष्ठ ही नहीं है। जब इस तरह के फील्ड में काम करने वाले लोग ही नहीं होंगे, अच्छे इंजीनियर्स नहीं होंगे, साइंटिस्ट नहीं होंगे, विषय के नहीं, तो काम करेगा कौन? अभी जो इसमें नया जो प्रावधान है उसके तहत इनको लैंडफिल साइट के निर्माण कार्य करने के लिए पर्यावरण स्वीकृति लेना है। तो यदि कोई नगर निगम हमारी बात नहीं सुनता है या अपेक्षित कार्रवाई नहीं करता है तो हम फिर इसमें इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। देश में पर्यावरण संरक्षण के लिए 2016 में जो कानून बना है उसमें नियमों के उल्लंघन का जुर्माने और जेल का प्रावधान है, पर इस कानून का कोई असर छत्तीसगढ़ में दिखता नहीं। इससे लोगों की सेहत पर तो असर दिखता ही है, वहीं पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। नतीजा दिनों दिन हालात बिगड़ रहे हैं। इसके बावजूद अब तक शहर प्रशासन समझने बूझने और सीखने को तैयार नहीं। तभी तो स्वच्छता को लेकर मचे हल्ला के बावजूद अब भी कचरा प्रबंधन के एक्सपर्ट्स की सेवाएं कहीं नहीं ली जा रही हैं। संजय शर्मा, IBC 24, रायपुर।
तो तीन बड़ी बातें जिस पर आज हम फोकस करने वाले हैं। पहली बात ये कि स्वच्छता को लेकर सारे देश में अभियान छिड़ा है, ऐसे में रायपुर की स्थिति किसी से छिपी नहीं है, लेकिन यहां पर निगम की कचरे के प्रबंधन की व्यवस्था क्या है। नंबर दो, जो हम लगातार जिस रिपोर्ट का जिक्र कर रहे हैं कि पर्यावरण संरक्षण मंडल की चिंता है कि ना तो यहाँ एक्सपर्ट हैं ना ही उनकी सेवाएं ली जा रही हैं कि कचरे का निपटारा आप कैसे करेंगे, तो फिर कैसे आप सही दिशा में काम कर सकते हैं। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कि जहां अभी कचरे के ढेर जमा हो रहे हैं, क्या उसके निपटारे के लिए कोई पुख्ता व्यवस्था आपने की है? अभी कम से कम ऐसा दिखाई नहीं पड़ता। इन तीन बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में दो बहुत खास मेहमान और एक हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। प्रमोद दुबे साहब महापौर हैं रायपुर के, स्वागत है आपका। श्रीचंद सुंदरानी साहब एक जिम्मेदार बीजेपी के विधायक और प्रवक्ता हैं, और साथ में हमारे संजय शर्मा जी हमारे सहयोगी न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं। आप तीनों से इस चर्चा की शुरुआत हम करते हैं। प्रमोद जी, चूंकि शहर की जिम्मेवारी शहर सरकार को संभालने वाले आप ही हैं, तो सवाल आप ही से बनता है कचरे के निपटारे को लेकर के जो पर्यावरण संरक्षण मंडल की चिंता है कि यहां तमाम निगम और शहर की जो सरकारें हैं उन्होंने ट्रेंचिंग ग्राउंड संबंधी नियम, जो वाहन कचरा उठाते हैं उसके संबंधी नियम, और जहां आप कचरा निष्पादित करते हैं उसके संबंधित नियम कतई आपके ध्यान में ये नहीं है, निकायों के ध्यान में नहीं है, कब और क्या व्यवस्था है, क्या आपका विजन है कचरे के निपटारे को लेकर रायपुर के? पुनीत जी, इस विषय में ये बड़ा गंभीर विषय है और इसके लिए केवल प्रदेश नहीं वरन देश में इसकी चिंता हो रही है। जहां तक रायपुर की अगर बात करें तो पर्यावरण संरक्षण मंडल ने जरूर ये बातें कही है, लेकिन इसमें 50% जो पार्ट होता है वो नगर निगम का होता है और 50% राज्य सरकार। जहां तक ट्रेंचिंग ग्राउंड की बात है तो संकरी में हमने नया ट्रेंचिंग ग्राउंड मांगा था, लगभग 2 साल की समयावधि वहां समाप्त हो चुकी है। जो एनओसीज जो हमको नगर निगम के स्तर पर होना था वो हमने ले लिया, लेकिन राज्य सरकार के स्तर पर चाहे वो एयरपोर्ट अथॉरिटी से हो चाहे वो पर्यावरण संरक्षण मंडल से स्वयं से हो, पर्यावरण संरक्षण मंडल ने 2 साल और 1.5 साल बाद तो बड़े मुश्किल से सकरी के लिए निर्णय ले पाया। तो ये बात कोई अकेले नगर निगम की छोटी निकायों की बस की बात नहीं है, ये बड़े बड़े स्तर पर बड़े फैसले होते हैं। रायपुर शहर की अगर बात करें तो 550 टन प्रतिदिन कचरों का निष्पादन आवश्यक है। सरकार को पहले यह तय करना पड़ेगा कि वेस्ट टू एनर्जी बनाना है, वेस्ट टू कंपोस्ट बनाना है। सूडा जो राज्य सरकार की इकाई है वो अभी तक ये तय नहीं कर पाई कि उसको जाना किसमें है। अभी टेंडर हुए हैं, अभी टेंडर में 2 कंपनियां अभी आई हैं और वो 2 कंपनियों के जब टेंडर खुल जाएंगे इसके बाद पूरे कंपोस्ट के बनाना है या वेस्ट टू एनर्जी बनाना है। हालांकि वेस्ट टू एनर्जी की तरफ का टेंडर किया गया है, लेकिन कुल मिलाकर अगर सारी बातों का अगर एक कंक्लूजन निकालें हम तो ये अकेले नगर निगम या नगरीय निकाय की बस की बात नहीं है। जब तक इसमें बड़े स्तर पर सारे लोग मिलकर फैसले नहीं करेंगे तब तक नगर निगम क्या करेगा। नगर निगम के पास एक पुराना ट्रेंचिंग ग्राउंड है। सिलसिलेवार शुरुआत करते हैं प्रमोद जी, आपने कहा कि ये अकेले आपकी जिम्मेदारी नहीं है, समझते हैं क्योंकि राजधानी है, बड़ी है, इसकी जिम्मेदारी और बल्कि सारे शहरों की जिम्मेदारी सरकार पर भी आती है, लेकिन चूंकि आप अभी शहर सरकार के मुखिया हैं इसलिए सवाल आपसे पूछा जा रहा है। पहली बात ये कि एक जो आपत्ति ली गई कि एक्सपर्ट आपके पास नहीं, उनकी कमेटी आपके पास में नहीं, कैसे आपको निष्पादित करना, इसका विजन आपने अब तक रखा नहीं, ये इसमें कितनी सत्यता है? बिल्कुल सत्यता है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से पूर्व के लगभग 6 माह पूर्व से हमने आग्रह किया था कि रायपुर नगर निगम ए ग्रेड का नगर निगम है, यहाँ सैनिटेशन ऑफिसर होना चाहिए, यहाँ उस रैंक के अधिकारी होने चाहिए, उस रैंक के इंजीनियर होने चाहिए जो हमको ये बता सके कि हमारे जो वेस्ट का मैनेजमेंट हम किस प्रकार से करें, क्या SLRM सेंटर बनना चाहिए, उसका निष्पादन जो बाहर में जो गार्बेज है उसका छोटे तौर पर हम कैसे उसका निष्पादन करें। कहां अटका है मामला, कहां अटका है? अभी तक के कोई रायपुर नगर निगम में कोई हेल्थ ऑफिसर ही नहीं है, ना सैनिटेशन ऑफिसर है, ना टाउन प्लानिंग ऑफिसर है, किसी प्रकार के जो मुख्य अधिकारी हैं ये रायपुर शहर में किसी भी स्थिति में नहीं है। और माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर नगरीय प्रशासन मंत्री से लेकर कल ही मैंने माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी के भी जाकर अपनी गुहार लगाई है, लेकिन शहर की जो व्यवस्था है, शहर बड़ा है, राजधानी है, राजधानी के अनुरूप ना हमारे पास अधिकारी है ना हमारे पास उतने संसाधन है। चलिए ठीक है, ये आपने अपनी चिंता व्यक्त की सुंदरानी साहब। सरकार का एक बड़ा पहलू एक पक्ष इसमें बता रहे हैं महापौर जी, और ये भी कह रहे हैं कि लगातार उनकी तरफ से ये डिमांड्स रखी गई, जो चिंताएं पर्यावरण संरक्षण मंडल की हैं वो निगम की भी, लेकिन इसमें एक पहलू आप साथ नहीं दे रहे, ये एक सरकार की तरफ से अगर आप इसमें कोई बात रखना चाहें। आप भी इसी शहर के जिम्मेदार नागरिक भी हैं
और जनप्रतिनिधि भी। देखिए, मैं निश्चित रूप से एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि हूं और जनप्रतिनिधि होने के नाते इस शहर की चिंता उतनी ही करता हूं जितनी हर जनप्रतिनिधि को करनी चाहिए, बढ़ चढ़ कर करनी चाहिए। शहर हमारा है, साफ सुथरा रहे, सुंदर रहे। जब ये शहर 130वें नंबर पे आता है तो हमारा भी सर शर्म से झुक जाता है। ठीक है, निश्चित रूप से बहुत बदतर स्थिति हमारे राजधानी की है जी। मैं आपको बता दूं, अफसरशाही जो है नगर निगम में, मैं पिछले दिनों विधायक आपका द्वार एक कार्यक्रम शुरू किया, करीब 20 वार्डों का मैंने प्रत्यक्ष रूप से दौरा किया, एक एक घर गया। जो स्थिति वार्डों में है, कुछ वार्ड निश्चित रूप से बहुत अच्छी तरह साफ हो रहे हैं, लेकिन कुछ वार्डों की इतनी बदतर स्थिति है, ऐसा लगता है कि लोग नरकी जी। यहाँ सफाई की नहीं, यहाँ तो हम बात करें कचरे के निष्पादन की। निश्चित वो गाड़ियां जो ले जाती है, ले ही नहीं जाती। ठीक है, ये तो ये एक बड़े निचले स्तर की समस्या, इसके ऊपर की भी बात करें। देखिए, शासन लेवल पे जितना सहयोग हमको मिलना चाहिए निश्चित रूप से मिलता है, लेकिन उसकी क्रियान्वयन एजेंसी तो नगर निगम है, स्थानीय संस्थाएं हैं। अगर उसका क्रियान्वयन अफसर नहीं करेंगे, अगर अधिकारी उसका क्रियान्वयन नहीं करेंगे, अभी 300 कर्मचारी हम इसमें दिए गए, नए तरीके से साधन मुहैया कराए गए। एक समय था मतलब किवाड़ कंपनी को रायपुर की राजधानी किवाड़ कंपनी के हवाले की गई थी। ये तो आप जिम्मेदारी किसको देंगे, क्योंकि अगर निगम कह रहा है कि हमने अपनी तरफ से योजनाएं दी शासन को और वो पारित नहीं हुई, देखिए उस पर जवाब नहीं आया। मुझे लगता है कहीं न कहीं आपस में तालमेल का अभाव है, कहीं न कहीं मॉनिटरिंग का अभाव है, कहीं न कहीं हम उन चीजों की गहराई में नहीं जाना चाहते जहां पे व्यवधान उत्पन्न होते हैं। क्यों व्यवधान उत्पन्न आपके मुताबिक क्या, क्या नगर निगम ने कब दिया प्रस्ताव और क्यों रुका? मैं क्या हम लोगों का सहयोग लिया गया? माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी यहाँ पे मंत्री हैं, माननीय राजेश मूणत जी हैं, कहीं पे अगर रुकावट थी तो माननीय मुख्यमंत्री, चार विधायक हैं, एक कांग्रेस के हैं, 3 भाजपा के हैं, 2 जिसमें मंत्री हैं, उनकी भी चिंता उतनी है जितनी प्रमोद जी की है, मेरी है या मंत्रियों की है। हम सब लोग इस शहर को सुंदर बनाना चाहते, कहीं ना कहीं तालमेल के साथ हमको कम से कम राजनीति से ऊपर उठकर एक जगह हमको बैठना चाहिए। दुबे जी, एक जवाब दें इस बात का। जी, मैं समझता हूं कि माननीय सुंदरानी जी भी जिम्मेदार व्यक्ति हैं, 2-2 कैबिनेट मंत्री हैं जो लगातार रायपुर शहर का नेतृत्व लगभग 30 वर्षों से कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि जितनी मुझे जानकारी है उससे तिगुनी जानकारी उनको होगी, क्योंकि पहले के जनप्रतिनिधि हैं। और वेस्ट मैनेजमेंट कोई आज का नहीं है, मेरे तो 2 साल हुए हैं बने, और ये जो नियम आया है 2016 से आया है, जब राज्य सरकार के सारे लोगों की जब इसकी जानकारी है, और 1.25 साल पहले का ये प्रस्ताव है जब हमने राज्य शासन को अपनी ओर से MIC और सामान्य सभा से, अगर कोई मामला अटका है तो कहां अटका है, किन नियमों के तहत अटका है, क्या उसमें दिलचस्पी है नगर प्रशासन की? देखिए, ये जहां तक मैं समझता हूं कि सरकार ये तय नहीं कर पाई कि उसको वेस्ट टू कंपोस्ट बनाना है या वेस्ट टू एनर्जी बनाना है। अच्छा, दूसरा संकरी की जहां ट्रेंचिंग ग्राउंड की बात है, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर सारे जिम्मेदार लोगों से ये निवेदन किया था कि एक ट्रेंचिंग ग्राउंड नहीं, शहर जिस हिसाब से बढ़ रहा है कम से कम 4 से 5 ट्रेंचिंग ग्राउंड होनी चाहिए। हम शहर के बीच की जरूर चिंता कर रहे हैं, हमको स्काई वॉक बनाना जरूरी है, हम कहते हैं जरूरी है, लेकिन हमको इन सब चीजों की चिंता आखिर हम कब करेंगे? आखिर हमारे, हमने कई बार इसको कहा कि हाथालन अधिनियम जो 2016 आया है उसका परिपालन की जहां तक बात है, 14 लाख रायपुर शहर की पॉपुलेशन है। माननीय सुंदरानी जी कह रहे थे संसाधन की बात, स्वयं माननीय वेंकैया नायडू जी कुछ समय पहले रायपुर आए थे, उनके साथ उनका पूरा अधिकारी का दल आया था, उन्होंने यहां से रिपोर्ट लेकर कहा कि यहां जितने संसाधन होने चाहिए उससे 35% संसाधन आपके रायपुर शहर में कम है, कैसे आप इन सब चीजों से निपटेंगे? यह ऑफिशियल बात है, ये रिकॉर्डेड बात है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं एक पुनीत जी, मैं छोटा जनप्रतिनिधि हूं, ये बड़े निर्णय हैं, बड़े निर्णय बड़े लोगों को लेना पड़ेगा। और दुख की बात यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर मुख्य सचिव तक से लेकर ये सारे लोगों की ये सारी जानकारियां हैं, उसके बावजूद अगर कहीं कुछ नहीं हो रहा है तो इसमें, चलिए आइए आपका पॉइंट है संजय जी, कुल मिलाकर एक कोऑर्डिनेशन, तालमेल या पॉलिटिक्स, क्या ज्यादा जिम्मेदार दिख रहा है? मैं आता हूं आपके पास में सुधरानी साहब।
जी देखिए पुनित जी, इसमें जो है पॉलिटिक्स तो है, पर ये भी सही है कि तालमेल की भी कमी है। लेकिन जो प्रमोद जी कह रहे हैं वो पूरा सच नहीं है, वो आधा सच बता रहे हैं, अपने हिस्से पे जो सुविधाजनक उनको लग रहा है वो कह रहे हैं। लेकिन इस बात का क्या जवाब है कि जब पर्यावरण जो संरक्षण कानून है, कानून कहता है कि आप खुले वाहन में कचरा नहीं लेकर जाएंगे, ठीक है, यहाँ रायपुर शहर में खुले वाहन में ही कचरा ले जा रहे हैं। दूसरा ये है कि कचरा कहीं भी नहीं फेंकेंगे, एक अनुमति लेकर एक खास जगह पर जो उसको खास तरह से डिजाइन किया गया होगा, खास जानकार लोग ही उसको बनाएंगे, उस ग्राउंड को वहां पर कचरा फेंकना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, किसी भी मोहल्ले में चले जाइए कचरे का ढेर आपको दिख जाएगा। नगर निगम के कर्मचारी आते हैं, घरों से कचरा उठाते हैं और एक जगह ले जाकर फेंक देते हैं। ये इस तरह की चीजें हो रही, तो ये जो प्रदूषण ये फैला रहे हैं इसकी जवाबदेही किसकी बनती है? इसके लिए क्या मुझे जल्दी उत्तर दीजिए तो मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लूं। नहीं, आखिर अधिकारी क्या करेंगे जिनको एक एक डेढ़ डेढ़ लाख रुपए तनख्वाह मिलता है? और हथालन अधिनियम की अगर हम बात करें तो उसमें 234 पॉइंट है। अब 234 पॉइंट को फॉलो करवाना ये कमिश्नर का काम है, नगरीय प्रशासन के आयुक्त का काम है, सचिव नगरीय प्रशासन का काम है, जनप्रतिनिधि। पर ये महकमा आपके अंडर में आता तो सवाल आपसे पूछा जाएगा। नहीं बिल्कुल, इसका जवाब भी हम दे रहे हैं। लेकिन जहां तक अब मैं बता दिया आपको कि जो संसाधन की बात है, ये मैं स्वीकार करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि खुले में कचरा ले जाया जा रहा है। लेकिन एक ड्राइवर होता है, उसके साथ कंडक्टर हम नहीं दे सकते, पेमेंट का दिक्कत होता है, बहुत सारी ऐसी मजबूरियां होती हैं। हमको हर चीज में सरकार से अनुमति चाहिए। अगर कंडक्टर भी रखना है मान लो, या संसाधन भी रखना है, जिस प्रकार से 300 कर्मचारी हमने रखा, अब हमारा अपना नगर निगम है, इसके लिए भी अगर केवल स्वायत्तता की बात होती है, लेकिन हर चीज के लिए केवल हम केवल परमिशन लेते रहे तो आखिर हम काम कब करेंगे? तो बहुत सारी ऐसी जो दिक्कतें, मैं संजय जी की बात से मैं कोई डिनाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो जिम्मेदारी अधिकारी की है, ठीक है, चलिए आपका आपका जो आपने जी आपका जो आपने पॉइंट बताया है, मूल कोऑर्डिनेशन की बात आ रही, इसी पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। छोटा सा ब्रेक जरूरी, जल्दी लौटते हैं। तो आज गंदगी के गुनाहगार में शहरों की बात हो रही है। पर्यावरण संरक्षण मंडल की चिंता यह है कि जितने भी निकाय हैं इसके अंतर्गत शहरों की सरकारें और उनके अंतर्गत आने वाला जो अमला है वो स्वच्छता अभियान को हल्के में ले रहा है, कचरे के निष्पादन को हल्के में ले रहा है। आपको ये भी बता दें कि लगातार हम अपना एक कैंपेन चला रहे हैं कचरा कचरा जिंदगी, जिसमें शनिवार रात 8:30 बजे और अगले दिन रविवार को रात 8 बजे हम इन्हीं विषयों की चिंता भी करते हैं, खुद जाकर ग्राउंड रियलिटी आपके सामने रखते हैं और आपसे भी बातचीत करते हैं, दिखाते हैं कि क्या वास्तविकता है, क्या स्थिति है। प्रमोद जी, आप जिस तरफ आप इशारा कर रहे थे कि सरकार की तरफ या इन्हीं तमाम आपत्तियों के बीच में जो आप काम कर रहे हैं, इसमें आपको पूरा सपोर्ट नहीं मिल पाता, एक कोऑर्डिनेशन और एक पॉलिटिक्स, आपको क्या लगता है? ये सवाल हम सबसे पूछते हैं कि यहाँ पॉलिटिक्स हो रही है या कोऑर्डिनेशन की कमी? नहीं, यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि जनप्रतिनिधियों के बीच में तो बेहतर तालमेल है, अधिकारियों के बीच में जो तालमेल होना चाहिए वो तालमेल शायद बहुत कमी स्पष्ट नजर आती है। क्योंकि अगर हम पर्यावरण संरक्षण मंडल से एनओसी की बात करें तो 1.5-2 साल बाद तो सक्रिय के लिए एनओसी प्राप्त हुई। अगर हमारे पास ट्रेंचिंग ग्राउंड की अगर चिंता ना करें तो आखिर हम डंपिंग पॉइंट बनाएंगे किसको? संकरी की जहां तक बात है, मैं आपको बताऊं आज तक डेमार्केशन नहीं हो पाया कलेक्टर के यहां से। ईमानदारी से स्वीकार कीजिएगा, अभी हम कचरे के निष्पादन में कहां खड़े हैं, अभी हमें कितना काम बाकी है, क्योंकि ऐसा कोई बड़ा प्लांट तो देख नहीं रहा। इंदौर ने बड़ा अच्छा काम किया, उसके काम की सारे देश में सराहना है, रैंकिंग के अलावा भी अभी भी वो लगातार काम कर रहे हैं। रायपुर कहां है अभी? रायपुर अभी समझ लीजिए डोर टू डोर कलेक्शन के मामले में हम 65% हैं, निष्पादन के मामले में अगर हम कहें तो 21 जगहों पर हम सेग्रीगेशन पॉइंट अभी निर्माण कार्य हमने शुरू किया है, 2 महीने के अंदर वो सेग्रीगेशन पॉइंट लगभग तैयार हो जाएंगे। उसके बाद भी आज भी हमको 35% संसाधनों से जूझना पड़ रहा है। 210 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ रायपुर है, 14 लाख यहाँ की पॉपुलेशन है, चौदह लाख यहाँ की पॉपुलेशन है, और अन्य शहरों की तुलना में रायपुर शहर में फ्लोटिंग पीपुल की जो संख्या होती है वो दुगनी होती है, 2 लाख करीब फ्लोटिंग पीपुल यहाँ रोज आते हैं। तो मैं ऐसा समझता हूँ इस पर व्यापक पैमाने पर बड़े काम करने की आवश्यकता, राज्य सरकार में जो बैठे अधिकारी हैं, यहाँ के कलेक्टर हैं और सारे जनप्रतिनिधि जो हैं, उनको हमारे पास प्लान है, लेकिन टेंडर करने का काम कोई मेरा या सुंदरानी जी का नहीं है, टेंडर करने का काम ऑफिसर का है, ये 1.25 साल लेकिन, से लेकिन ये ऑफिसर आप ही के अधीन रहते हैं, आप ही उनको आदेशित करोगे, अगर वो अपने आपके आदेशों का पालन नहीं करते हैं
तो इनसे पूछताछ भी आप ही करो। अरे साहब, मुझे बोलने में कहीं कोई गुरेज नहीं है कि यहाँ क्या हो रहा है। बहुत सारे ऐसे वाकया आपके सामने में, आपके टेलीविजन में दिखते हैं, मुझे बोलने की कोई आवश्यकता नहीं कि यहाँ की स्थिति क्या है और क्या होनी चाहिए। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यहाँ सबसे बड़ी आवश्यकता अधिकारियों की निरंकुशता की तरफ अगर आपका इशारा है तो आप वो भी साफ तौर पर कहें, क्योंकि शहर की जनता आपसे आपकी तरफ देखती है। नहीं, मेरा यही कहना है कि जिस प्रकार से राजधानी का नगर निगम है, सैनिटेशन ऑफिसर आवश्यक है पुनीत जी, यहाँ उस रैंक के अधिकारी की आवश्यकता है जो हमको ये बता सके कि इससे इतने से कंपोस्ट बन सकता है या इस जगह पर आपके SLRM सेंटर होने चाहिए। मामला कहाँ और क्यों अटका है, आपके मुताबिक क्यों अटका है वो? नहीं, अभी स्वीकृति चीज नहीं मिली। नहीं तो क्यों अटका? जैसे सुंदरानी जी भी कह रहे हैं कि ये हम पता लगाएं कि भाई कहां व्यवधान है। नहीं, नगरी प्रशासन विभाग से मिलेगा ना ये सब चीजें। तो ठीक बात है, आप सही कह रहे हैं, मैं वही आपसे पूछ रहा हूं कि आपके मुताबिक क्यों रुका है मामला? क्या तो पॉलिटिक्स है इसमें? नहीं, कोई पॉलिटिक्स, मुझे इसमें पॉलिटिक्स नजर, मैं राजनीति बहुत ज्यादा नहीं जानता। अच्छा, लेकिन कमोबेश केवल रायपुर की बात कर रहे हैं हम तो बात अलग है। आपके टेलीविजन से लेकर सारे लोग यहां जान रहे हैं, नगर निगम में लगभग 50,000 लोगों की आवाजाही होती है। ठीक है, यहां आज भी मैं बता देता हूं, जो ए ग्रेड के ऑफिसर या जिस ग्रेड के ऑफिसर की आवश्यकता रायपुर नगर निगम की है, उस ग्रेड के ऑफिसर है नहीं, केवल आयुक्त अकेले हैं या महापौर है। सुंदरानी जी, अपनी बात इसमें कंक्लूड कीजिएगा, इन सब का हल कहां देखें हम, शहर की जनता को हल मिलेगा कैसे? संसाधन तो हर जगह कम होते हैं। मैं इस बात से सहमत हूँ प्रमोद जी की कि संसाधन निश्चित रूप से कम होंगे भी, लेकिन मैं अंबिकापुर जैसा नगर निगम में भी संसाधन कम है, क्यों वो 10वें नंबर पे आता है, क्यों वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है? 65% डोर टू डोर कलेक्शन की बात की जा रही है, मैं निश्चित रूप से सहमत हो सकता हूँ कि 65% डोर टू डोर कलेक्शन कचरा किया जा रहा है, लेकिन वो कचरा फेंका कहाँ जा रहा है? वो कहीं एक स्थान पे फेंका जा रहा है, हर वार्ड में हर जगह मुक्कड़ बन गए, हर जगह वो रिक्शे से घरों से लाते हैं, रास्ते में फेंक देते हैं, सारा शहर कचरे से भरा दिखता है। प्रमोद जी, इससे तो निजात मिल सकती है, इससे निजात मिल सकती है। कहीं ना कहीं हम अधिकारियों पे, मैं आपको बताऊं, हम जाते हैं वार्डों का दौरा करते हैं, अधिकारी पहले से वहां पे सफाई व्यवस्था करते हैं, जैसे हम 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद प्रमोद जी भी जाते हैं, मैं भी जाता हूं, लगातार 2 घंटा 3 घंटा हम वार्ड में रहते हैं, आधा घंटा रहे, 2 घंटा रहे, 2 घंटा सफाई कर्मचारी दिखते हैं, उसके बाद बिल्कुल सफाई कर्मचारी नहीं दिखते, एक वार्ड और 2 वार्ड के बीच में ठेकेदार है, वही ठेकेदार इधर उधर काम करता है। प्रमोद जी, फाइनली इस बात से तो निजात मिल सकती है कि इसमें भी दिक्कत है? इससे तो निजात मिल सकती है, ये हम इससे पहले एक बात कहना चाहूंगा पुनीत जी, जिस प्रकार से माननीय सुंदरानी जी ने कहा है, एक साल में 24 करोड़ रुपया अंबिकापुर को दिया गया है। अंबिकापुर मॉडल की बात करते हैं, अंबिकापुर मॉडल की बात, अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है, आपने संसाधन का पॉइंट रख दिया, बात यह कि व्यवस्था तो बनाई जा सकती है। हाँ, व्यवस्था बनाने के लिए, अगर ये बिगड़ रही तो ये तो देखा जा सकता है। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि देखिए, और अधिकारियों को टाइट करना पड़ेगा। मैं इस बात से सहमत हूँ कि प्रमोद जी मॉनिटरिंग कर सकते हैं, मैं मॉनिटरिंग कर सकता हूँ, मैं खुद फावड़ा उठा के हम टोकन तो हम करते हैं। पुनीत जी, आपको शायद ये बात संज्ञान में होगा कि मैं स्वयं हर शनिवार को सफाई गिरी अभियान में मैंने शुरुआत कर चुकी है, ताकि लोगों के बीच में जागरूकता आए। हम सबको मिलकर ये तय करना पड़ेगा, कचरा डालने वाला आदमी कोई बाहर का नहीं होता, वो यथा स्थान अगर व्यवस्थित कचरा डालने के लिए। साहब, एक सीधी सिंपल बात है, घरों से कचरा आपने कलेक्ट किया, अब वो कहां फेंका जा रहा है, कम से कम ये व्यवस्था अगर सुनिश्चित हो जाए तो आधे शहर के पॉइंट कचरों से फटे हुए दिखाई नहीं पड़ेंगे। शहर ठीक हो जाएगा, 70% शहर ठीक हो जाएगा अगर घरों से उठा हुआ कचरा अगर किसी एक स्थान, निर्धारित स्थान, सुंदरानी जी हमें सारा शहर मुक्कड़ बन गया है, सारे शहर में कचरा फैला हुआ है। एक मिनट, ये भी कहना चाहूंगा कि उसी दिशा में हम काम कर रहे हैं, 21 SLRM सेंटर जो बनाने की बात हम कर रहे हैं, बहुत सारे जगहों पर डगनिया वगैरह अगर आपने देखा होगा तो बहुत सारे पॉइंट्स हम लोगों ने बना लिए हैं, लेकिन ये ऐसा विषय है जिसमें बड़े लेवल पर निर्णय करने पड़ेंगे। जो अगर अधिकारी कर्मचारी काम नहीं करता तो उसको सजा देने की जिम्मेदारी किसकी है? चलिए प्रमोद जी, शहर की जनता की तरफ से इतना ही कह सकते हैं कि कम से कम ये कोऑर्डिनेशन आप बना पाएं, क्योंकि चूंकि आप शहर को संभाल रहे हैं तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी जनता आप ही की देखती है, जवाबदेही आपकी ही बनती है, सवाल आप ही से पूछे जाते हैं, कम से कम ये हर शहर के
कोने में फेंके जाने वाले कचरे, इस व्यवस्था को आप बना सकते हैं। अगर कोई नहीं सुन रहा तो उनके नाम एक्सपोज कर सकते हैं, क्योंकि जनता आपकी तरफ देख रही है। आप तीनों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। नमस्कार।